5 फीट की गहराई, 243 फीट की लंबाई, ये था माप एक सुरंग का जिसे 8 लोग मिलकर खोद रहे थे। जाहिर है एक धमाकेदार दबंग और दिल को दहला देने वाली डकैती होने जा रही थी। कौन थे ये 8 लोग जो इस डेयर डेविल जुर्म को करने निकल पड़े थे, जहां हर कदम सीधे उनकी कब्र में जा सकता था। बढ़िया, एक नंबर जमीन है भाई साहब, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी और वास्तु के हिसाब से भी। हाँ कर दो एक बार। लेकिन ये पार्टी बहुत मुंह फाड़ी है गिरीश, इतने पैसे थोड़ी देंगे मैंने। भाई साहब चिंता ना करो, मैं हूं ना, वो मैं देख लूंगा। गिरीश तलवार फुलवर जिले का एक बेहद चालाक एस्टेट एजेंट, बीए फेल, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। गुरवीर सैनी भी फुलवर जिले के अस्पताल में स्टोर कीपर था, 12वीं पास, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। मनवीर कौशिक टीवी और इंटरनेट केबल बिछाने वाला, 8वीं फेल, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। विजेंद्र और जसराज मनवीर कौशिक के भतीजे, उसके काम में हाथ बटाने वाले, स्कूल ड्रॉप आउट, इनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। विक्रम सरपाल एक कंस्ट्रक्शन मजदूर था जिसे रियल एस्टेट एजेंट गिरीश जानता था, मेहनती आदमी था और इसका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। अरे भाई मारे पास पैसे नहीं है तो तन्ने लौटाऊं कहां से? अरे भाई सैलरी मिलने को भी 12 दिन बाकी है। हरमीत कुमावत का कोई पुलिस केस तो नहीं था, पर यह जुआ काफी खेलता था, पैसे कभी हाथ में टिकते नहीं थे। ये अलग अलग प्रोफेशन में स्ट्रगल करने वाले मिडिल क्लास और लेबर क्लास के लोग एक बड़े जुर्म की छतरी के नीचे आए तो आए कैसे? क्या लालच वो गोंद था जो इन्हें जोड़ रहा था? चल बे, जमानत हो गई तेरी। चल भाई मैं चलता हूं। चोरियों में माहिर रणदीप धैया इस गिरोह का एकमात्र हिस्ट्री शीटर था। यह सुरंग क्यों खोदी जा रही थी और उससे भी अहम सवाल यह था कि यह कहानी शुरू कहां से हुई, यह गैंग बना कैसे? रणदीप अगला हाथ काम आने का इरादा भाई। जहां भी मारो गिरीश, पर इस बार उस सरकारी भट्टी में ना जाऊंगा। सोच रहा हूं किसी बैंक में नौकरी कर लूं और फिर उसी को साफ बड़ा हाथ। बैंक लूटना है तो उसमें नौकरी करने की जरूरत है, जा और सीधा लूट ले। गिरीश चल साथ लूटते हैं। बावड़ा हो गया के? जेल की गर्मी ने दिमाग पिंगला दिया तेरा। बुरा ना मानो गिरीश, धंधा तेरा भी मंदा ही चल रहा है। ये एसी जो चल रहा है कल को बंद हो सकता है, परसों बिक भी सकता है। ये धंधा चल पड़ा ना तो ये ऑफिस बड़ा भी हो सकता है, 4 एसी और भी लग सकते हैं। तू बैंक लूटता पकड़ा गया ना तो जेल की भट्टी में पिंगल पिंगल के मर जाएगा। पर चोरी पकड़ी नहीं जाती, ये तू भी जानता है और मैं भी। और कई बड़े बड़े हाथ मारने के बाद एयर कंडीशन की जिंदगी जीते हैं। बोल सच या झूठ? सच तो ये है कि बैंक वैंक फिल्मों में लूटे जाते हैं, जिंदगी धूम 3 नहीं है मेरे भाई। ये धूम वूम क्या चीज है गिरीश, एक बार बैंक लूट के देख, जिंदगी धमाका होगी, धमाका। बावड़ा हो रहा है कि इस बैंक को लुटेगा। बड़ा सोचेगा नहीं तो बड़ा बनेगा नहीं, बड़े हाथ के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। डर मत, किस्मत बदलने वाली है, आ जा।
सीसीटीवी कैमरा देख रहा चारों तरफ। जेल में कुछ ताजी मिले थे, बता रहे थे कि लॉकर रूम में सीसीटीवी नहीं होते। भाई वहां तक पहुंचते पहुंचते तो हमारे चेहरे रिकॉर्ड हो चुके होंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सीसीटीवी कैमरे के सामने से गुजरे ही नहीं और सीधे लॉकर रूम तक? हो सकता है, भूत बन के या चूहा बन के। चूहा बन के? सुरंग, बैंक के बाहर गड्ढा खोदो, सीधा लॉकर रूम में। धूम 3 का एक्शन रिप्ले। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, गड्ढा खोद के सुरंग बना के और सीधे लॉकर रूम तक जा सकते हैं? बैंक के बाहर खड्डा खोदेगा, पुलिस हमारी खड्डे में कवर बना देगी। जब तक पुलिस वालों को वो गड्ढा दिखेगा तब तक चिड़िया खेत चुक गई होगी। कैसे? तुम्हारा एक पार्टनर हुआ करता था भूपेंद्र पराशर। हाँ, वो कहां से बीच में आ गया? भाई ये भूपेंद्र पराशर ही तो अपने लॉकर रूम की चाबी है। ऑफिस लॉकर कैश बॉक्स सबकी चाबियां है। गिरीश भाई पार्टनरशिप छोड़ रहा हूं मैं। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, एक साल भी नहीं हुआ हमारी पार्टनरशिप को। और एक साल में एक भी ढंग का सौदा ना हुआ। भाई साहब थोड़ा टाइम लगता है। गिरीश भाई टाइम अच्छा होना चाहिए, और किस्मत देखो 8 रिश्तेदारों के बीच करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो पुरखे दे गए। सभी लटगाड़ के बैठे हैं कि जमीन मारी होनी चाहिए और किसी के पास एक दमड़ी ना है। अब करोड़ों का लड्डू कोई चूरा करके तो खाएगा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। भाई साहब देखो आप पार्टनरशिप मत तोड़ो ना। मेरा अब दिल नहीं लगता इस पार्टनरशिप को करने में, घर के भी बड़े खर्चे हैं, बड़ी तंगी है, कुछ और ही करूंगा। गिरीश भाई ठीक है, भाई साहब ख्याल रखना अपना। कनेक्शन समझ में आया ग्रीस? बता भी दे यार। आज जिस बैंक में हम गए थे उसके पास में ही एक कोठी है, सालों से खाली पड़ी हुई। हाँ तो? हाँ। अबे हाँ यार उतनी। मंगला संख्या 12 को जब्त कर लिया गया है। अमुक संपत्ति पर अपना हक जताने वाले किसी भी व्यक्ति का कोर्ट के अगले आदेश तक प्रवेश अनाधिकृत है। पर हम तो अधिकारी की प्रवेश करेंगे है ना? वैसे गिरीश इस बंगले से बैंक की दूरी कितनी होगी? बंगला, बंगले के पास ये गार्डन, गार्डन के पास ये सड़क, फिर अपनी मंजिल बैंक। मेरे हिसाब से 70-75 मीटर होगा भाई। बंगला कहाँ है? मतलब ग्राउंड फ्लोर। और बैंक? ग्राउंड फ्लोर। गुड लक देख हमारा ग्रीस, बैंक भी ग्राउंड फ्लोर पे और बंगलो भी ग्राउंड फ्लोर पे। यानी सुरंग सीधे गार्डन होते हुए रोड क्रॉस करते हुए सीधे लॉकर रूम तक कर सकते हैं, अगर सोच बड़ी रखोगे तो बड़ा हाथ मारोगे। जुर्म का बीज बो दिया गया था, लेकिन इस बीज से पेड़ उगना और उसके फल तोड़ना एक बेहुदा बात जान पड़ रही थी। ये वाकई मिशन इम्पॉसिबल था, लेकिन लालच में बहुत ताकत होती है। बड़ा हाथ मारने का आइडिया गिरीश के दिमाग में डट कर बैठ गया था। जब मैं इसकी उम्र का था तब ये 10 बरस का था, तब तक मैंने ये घर खड़ा कर दिया था। भाजी आप मानो मेरी औकात थोड़ी इतनी, रोटी खा लो। गुस्सा करने से असलियत ना बदले है, और तेरी असलियत ये है कि तू असलियत समझता नहीं। मैंने तो करता है लेकिन एक चीज में नहीं, लगाम नहीं अपने आप पर। मैं तो कहती हूँ लगाम खींचने वाली ले आओ इसके लिए, फिर देखना मेरा घोड़ा कितनी तेज भागता है। आप गधे को तालाब तक तो ले जा सकते हो, उसे पानी भी पिला सकते हो,
लेकिन उसे घोड़ा नहीं बना सकते। मतलब हर रात घुमा फिरा के एक ही बात करनी है कि मैं कितना घटिया हूं, है ना? खा लो रोटी। गिरीश, गिरीश, भर गया पेट आपका, खाना भी नहीं खाने दिया उसको। हाँ गिरीश भाई बोलो। अबे गुरबीर कहाँ है बे? जिंदगी पलित हो गई भाई, स्टोर रूम में सोके चार पैसे बचा रहा हूँ। बेटा चार पैसे बचाएगा तो चार ही दिन में खत्म हो जाएंगे। नोटों की सोच, बड़े नोटों की। ना भाई तुमने दिल की बात छीन ली, एक मौका मिल जाए ना तो चौका मारूंगा भगवान का। सब छक्का लग सकता है गुरबीर, कल आ जाए दुकान पे। भाई वो तीसरा कुल्लड़ किसके लिए छोड़ दिया? गुरवीर बहुत लोग आने हैं यहाँ, बहुत बड़ा काम है। भाई रात भर सोया नहीं हूँ, नहीं भी तो बता दे काम क्या है। तो सुन, बैंक लूटना है। क्या बात करो भाई साहब, पागल हो गए हो क्या? आम लोगों की किस्मत बदलती है, पागल लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। और हम सब पागल हैं पैसे के पीछे। हम सब पागल इकट्ठे हो गए ना तो पैसा हमारे पीछे भागेगा पागलों की तरह। गुरवीर साथ हैं हमारे। इस साथ में हाथ मत छोड़ना गुरवीर, एक ने छोड़ा सब मारे जाएंगे। और सबने पकड़े रखा आसमान छुएंगे। सबसे पहले करना क्या होगा भाई साहब? अपना खाता एक खाते से खुलेगा और सबसे पहला खाता होगा तेरा, ओपनिंग बैट्समैन। गुरवीर भीतर जाने के बाद ना तू मेरे को जानता ना मैं तेरे को जानता। हाँ मैं अंदर जाके सीधे अकाउंट खुलाऊंगा। रणदीप के साथ सर्वे कर लिया था मैंने, आज फोटो खींचूंगा। की बात कर रहे हो भाई साहब, मरवाओगे के? अब बिना कैमरे के चल। मैडम जो खाता खोलना था वो फॉर्म चाहिए। भाई वो खाता खोलने के लिए जो कागज पत्र लगेगा वो कल जमा करूंगा लाके। स्टाफ से बात कर, जो भी जानकारी मिले बता मेरे को, ठीक है? निकल। Thank you.
मतलब सुरंग बन सकती है। कागज पर तो बन चुकी है, 243 फीट लंबी है। हमें सुरंग इस कमरे से खोदनी होगी, यहाँ से होते हुए इस गार्डन के नीचे से और सड़क पार करके ये बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम, यहाँ सारा खजाना है। और यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं है। कुल 550 लॉकर हैं अंदर। और मैडम से बोला मैंने, मैंने कहा मुझे लॉकर चाहिए, कहती है बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। 50 साल पुराना बैंक, बुढ़े बुढ़ियों का खजाना छिपा होगा अंदर। नहीं तो दिवाली होने वाली है भाई। इतना आसान नहीं है रणदीप, कोई पाइपलाइन आ सकती है, गटर की लाइन आ सकती है, टेलीफोन की लाइन आ सकती है, इमारत की नींव आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। और ये खुदाई कोई आम खुदाई नहीं है, इसके लिए कलाकारी चाहिए, हमें कई कलाकार जुटाने होंगे। ग्रीस, तुम्हारा स्टेट एजेंसी का काम है, बिल्डिंग लाइन वालों को तुम जानते होगे। तुम्हारी नज़र में कोई ना कोई मिस्त्री हो गई जिसके अंदर हमारे जैसा पागलपन हो। एक दो नज़र में तो उन्हें अपने साथ मिला लो, उनसे कहो कि पूरी जिंदगी वो दूसरों के लिए खोदते आए, अब अपने लिए खोदने का वक्त आ गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। मजरू सुल्तानपुरी साहब की इन अमर पंक्तियों का इस केस में एक अलग मतलब निकलता है। लेकिन यहां वो जानिबे मंजिल कोई नेक काम नहीं था, बल्कि लालच में डूबी एक भूख थी, क्विक मनी की एक विकृत प्यास थी, जिसे ये गिरोह एक अंधी गली, एक अंधी सुरंग में बुझाने चल पड़ा था। मानवीर सोच ले भाई, मुकरना अलाउड नहीं है। गिरेश भाई, तकदीर मुकर गई हमसे, बहुत खा ली मेहनत की रोटी, अब थोड़ा हलवा पूरी हम भी खा लें। देख भाई, हलवा पूरी इधर है और जाने का रास्ता इधर है। भाई मैंने इस इलाके में कभी कोई काम नहीं किया, अब नीचे क्या है कुछ पता नहीं। कई सालों से यहाँ कोई लाइन बिछी नहीं है, एक दो पुरानी लाइन होगी गटर की, पानी की। एक बात बता। हाँ भाई। लड़के भरोसे गए तेरे? भतीजे हैं मेरे, बेकार हैं, ऊपर से शौकीन है, इनकी फिक्र ना करो आप। ओए ओए जरा। अच्छा अच्छा। हाँ ये गिरीश भाई हैं, ये जसराज, ये विजेंद्र। राम राम करो। राम राम भाई। राम राम भाई। गिरीश भाई के साथ मिलकर एक काम करना है, पैसा बहुत है भाई, कोई मर्डर वर्डर तो नहीं करना? चाचा मैं तो उसके लिए भी राजी हूँ, पैसे मिलने चाहिए कतई के। अरे गधेड़े चुपा, हमें किसी को मारना नहीं है तो बस ये बैंक लूटना। पकड़ा है, ये ले भाई, ये मेरा मेरा, ये लो। हाँ गिरीश भाई फरमाइए। हाँ भैया मित्र, कहाँ है आजकल, कोई खबर नहीं? भाई कर्ज की खबर के अंदर से क्या खबर भेजू, कितना कर्ज चढ़ा तुझ पे? भाई पूछो मत, ये जुए की लत ने जान ले रखी हमारी। जिंदगी भर के लिए 3 इक्के चाहिए तुझे? भाई भाई क्या बात कर रहे हो, कोई बैंक बैंक लूटन कर रहता है क्या भाई? पत्ता सही सुना है तूने, बैंक की लूटना जे हुई ना बात, डेंजरस प्लान अपना इतना डेंजरस है कि पकड़े तो कभी भी नहीं जाओगे, पर हाँ जान का खतरा है। तो क्या हो गया भाई, जान तो एक ना एक दिन जानी है, वैसे भी कौन सी लाइफ जी रहे हैं भाई? छोड़ दे वो लाइफ, मेरे पास आ जा मनोरगढ़।
आ जाओ भाई। देखो भाई, यहां से यहां तक का सीधा रास्ता है, यहां एक पाइपलाइन है। तो फिर रास्ता सीधा नहीं है, टर्निंग तो मारनी पड़ेगी। बिल्कुल मारनी पड़ेगी। हमारी जो सुरंग है वो बंगले के इस कमरे से शुरू होगी। देखो भाई, ये जो खतरा है हमें सेफ्टी के साथ लेना होगा। गड्ढा कम से कम 5 फुट का होगा। 90 डिग्री पूर्व में जाएंगे, सुरंग हमारी 3 फीट चौड़ी होगी। आगे हम 67 फीट खोदेंगे। ऐसा करके हम गार्डन को पार कर चुके होंगे और सड़क के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ नीचे पाइपलाइन है। न भाई, तुझे पक्का कैसे पता कि पाइपलाइन रोड के बिल्कुल नीचे ही है? एक बात कान खोल के सबके सब सुन लो भाई, जरा सा 19-20 हुआ ना सीधा पाइपलाइन फटेगी, और अगर पाइपलाइन फटी ना तो पानी निकलेगा, और उसके बाद ये सुरंग हम सबकी कब्र बन जाएगी, याद रखियो सबके सब। ये हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हम 60 फीट पर यहाँ गार्डन में सुरंग रोकेंगे, उसके बाद हम पश्चिम में मुड़ेंगे 120 डिग्री पर, जहाँ हम 12 फीट खुदाई करेंगे। उसके बाद हम उत्तर में मुड़ेंगे 90 डिग्री पर, यहाँ हम 20 फीट खुदाई करेंगे। इसके बाद एक बार फिर हम मुड़ेंगे पूर्व की तरफ 90 डिग्री। इसके बाद हम अपने पहले वाले रास्ते पर वापस आ चुके होंगे, यानी कि बिना पाइपलाइन छुए हम रास्ता पार कर चुके होंगे, मतलब हम सीधे लॉकर रूम के अंदर होंगे 243 फुट खोदने के बाद। मतलब ये सीधा रास्ता 243 फीट का है, पर चूंकि हम घूम कर जा रहे हैं पाइपलाइन बचाने, इसलिए 12 और 20 मतलब 32 फीट ज़्यादा खोदना पड़ेगा। बिल्कुल सही। 243 फीट की खुदाई के बाद हम सीधा लॉकर रूम में होंगे? 1-2 फुट यहाँ वहाँ हो सकता है। ओ भाई, 1 फीट भी पीछे खोदा ना तो हम काउंटर एरिया में होंगे, और उधर लगा CCTV, सबके सब CCTV के मेहमान होंगे, और उसके बाद हमारी मेहमान नवाजी होगी थाने में। मेरे हिसाब से 238 फीट है, मैंने 5 फीट का गैप रखा है। गिरीश भाई, ने हम 1 इंच का भी रिस्क नहीं ले सकते। पता चला बैंक के अंदर खुली सुरंग और पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। भाई, ये काम कोई एक्सपर्ट का है, ये काम हमसे ना होगा। जी, 243 और 32 मतलब 275 फीट सटीक तरीके से खोद सके ऐसा आदमी चाहिए। देखो भाई, बहुत लोगों को तो लगा नहीं सकते इस काम में हम, पर एक बंदा है मेरे पास। दुगनी मजदूरी दोगे? 500 की जगह 1000 दिन का? 18 दिन का काम है। बोल, क्या बात कर रहे हो साहब? एजेंट का काम छोड़ के खुद की बिल्डिंग बना रहे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, म्युनिसिपलिटी का काम है, करना है तो बोल। दुगनी मजदूरी दे रहे हो, अब सोचना क्या है? बताइए कब से शुरू करना है? भाई, खोदने वाला आदमी तो मिल गया, पर खोदने वाली जगह कह के बंगले का मालिक हमारे साथ क्यों देगा? तुम्हारी बात होने वाली थी भूपेंद्र से? हुई नहीं अभी तक, वो मैं कर लूँगा, मेरे पे छोड़ दो। अरे यार, सबसे पहले उससे बात होनी चाहिए थी ना। देखो भाई, भूपेंद्र अपना हिस्सा लेगा। क्या गिरीश भाई, कुछ भी बोल रहे हो आप? अरे हम साथ हैं, ऊपर से वो भूपेंद्र 8 हिस्से बनेंगे, सोचा कुछ आपने? और वो विक्रम, उसकी मजदूरी अलग। इतना सब कुछ करने के बाद इतना सारा काम किया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बिना पहाड़ खोदे चुहिया भी नसीब नहीं होगी, पूरी जिंदगी चूहा बन के गुजारना पड़ेगा। देख, गारंटी के साथ कहता हूँ, इतना माल होगा कि बटोर भी नहीं पाओगे। एक एक आदमी के हिस्से में इतना आएगा कि 3-3 पिड़ियाँ राज करेंगी। गिरीश, भूपेंद्र को डन कर दो। बात करता हूँ। क्या इस सुबह सुबह भांग वांग खा के दुनिया? भाई साहब, असली नशा तो तब होगा जब आपको अपना हिस्सा मिलेगा, हजारों में नहीं लाखों में, और हो सके करोड़ों में। पागल हो गया क्या? चोरी करेगा है? उसके लिए मेरे पुश्तैनी बंगला इस्तेमाल करेगा? बंगला तो कई साल से खाली पड़ा है, और बुरा मत मानना, अपनी हालत देखो, एकदम फटीचे रोलिया है मामला। 18 दिन के लिए बंगला दे दो, पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। ऐश करेंगे जेल में? क्या हो गया गिरीश, क्रिमिनल बनेगा? पागल हो गया क्या? और कोई सुरंग वुरंग करके बैंक लूटता है क्या? सच बता, गांजा वंजा तो नहीं पीने लग गया? घुट घुट के जिंदगी जी रहा हूँ मैं, माँ बाप से आंख नहीं मिला सकता, शादी नहीं हुई है मेरी, 36 साल का हो गया हूँ, यह जिंदगी हो है कि? मेरी बात मान गिरीश, सुखी है मैं, जिंदगी इससे भी बदतर हो जावे, और खासकर बैंक लूटने वालों की। पुलिस वालों को समझ में नहीं आएगा तुझे पागल खाने डाले या जेल में। भाई साहब, मेरा प्लान तो सुन लो आप, बस सुन लो। निकल ले यहाँ से। लेकिन भाई साहब, कहा ना, निकल ले, नहीं तो मैं ऐसा कुछ बोल दूंगा हमारे बीच गड़बड़ हो जाएगी। निकल ले।
चलो भाइयों, बहुत खेल लिया चोर पुलिस, अपने अपने काम पे लौटते हैं। ओए विजेंदर, जसराज। ओ चाचा, और चाचा के भतीजों, कहाँ भाग लिए? बैठो, प्लान चेंज नहीं होगा। बैठ जा। मगर कैसे गिरीश? मैं उस बंगले की डुप्लीकेट चाबी बनवाऊंगा, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। पर भाई, आप अपने प्लान के बारे में भूपेंद्र परासर को बता चुके हो, तो यहाँ आएगा सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा। ना, उसे चुप बैठना पड़ेगा। क्यों? पहली बात तो हम भूपेंद्र को अपने प्लान के बारे में पता नहीं लगने देंगे, ये सारा काम खुफिया तरीके से करेंगे। लेकिन काम के बाद वो सुरंग पुलिस को भूपेंद्र तक ले जाएगी। लेकिन भूपेंद्र पुलिस को हमारे तक नहीं ला पाएगा, ऐसा करेगा तो पुलिस समझेगी उसको पहले से पता था, और वैसे भी हम पे कोई शक नहीं करेगा क्योंकि हम कोई गैंग तो है नहीं। एक रणदीप को छोड़ के किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और ऐसे कोर्ट कचहरी के बंगलों में छोटी मोटी वारदात होती रहती हैं, तो नई बात नहीं है। नहीं, काम शुरू कब से करना है? कोई 18 दिन लगेंगे। दिवाली की रात हम लोग कर रूम में होंगे। मतलब 22 अक्टूबर पक्का कर चलो। सारा काम रात को होगा, पूरा शहर पटाखों में गूंज रहा होगा और हमारे काम की आवाज़ दब रही होगी। और बैंक में 4 दिन की छुट्टी। समझदार है, जब तक बैंक को पता लगेगा और बैंक पुलिस को बुलाएगी तब तक तो हम सारा माल लेके अपनी अपनी जगह मौज कर रहे होंगे। अपनी पूरी जिंदगी एयर कंडीशन होने वाली है दोस्तों। चीयर्स। चीयर्स। प्लान बन गया था, हौसले बुलंद किए गए थे, लालच की 8 छोटी छोटी झीलें मिलकर एक नदी बन गई थी, और ये नदी उस सुरंग से गुजरकर अपनी प्यास बुझाने चल पड़ी थी। अब सवाल यह था कि इन 8 लोगों की लालच की नदी क्या उन्हीं को डुबोने वाली थी? क्या यह झूठा अखड़पन अपने मुंह के बल गिरने वाला था? देखो भाई, फोन छोड़ो, ध्यान दो। आज हम बंगले में जाएंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे और प्लान को अंजाम देंगे, ठीक है? दिमाग शांत रख के जी जान लगा देंगे, मंजूर है? और एक बात सुनो, सारे लोग गिरीश भाई की बात सुनेंगे, आपस में कोई झगड़ा नहीं, मंजूर? तो दो हाथ। भाई, यहां से काम शुरू करेंगे। भाई, खिड़की पैक करनी पड़ेगी, और यो खिड़की भी पैक करनी पड़ेगी। भाई भाई, दरवाजा पूरा ढीला है, इसको टाइट करना पड़ेगा। और इस छेद को भी पैक करना पड़ेगा भाई। पलाई की जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई, मोटी वाली। मैंने सिर्फ यो एक ही बात का डर लग रहा है। किस बात का? वो ये है कि जब हम सब भाई सुरंग के भीतर होंगे और कतई वो जमीन नीचे धंस ली तो हम सब तो दब के मर लेंगे कतई। वैसे तो तू बिस्तर पे पड़े पड़े वहां से गिर के भी मर सकता है, और खाते खाते गले में मूंगफली फंस जाए तो भी मर सकता है। पर भाई, लड़कों का डर जायज है। अरे उसका इलाज है मेरे पास। हम कार्डबोर्ड पे लिखेंगे कितने फुट अंदर आ गए हैं, कितने फुट अंदर जाना है, ठीक है? ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। 4 आदमी एक टाइम पे सुरंग में रहेंगे। और सुनो,
रणदीप और हरमीत तुम दोनों बाहर पहरा दोगे। मिट्टी का क्या करेंगे? हम मिट्टी बोरियों में भरेंगे और बंगले के बाहर दरवाजे के पीछे एक जगह खाली है वहाँ पर डाल देंगे। और एक काम करना, एक बंदा सुरंग से मिट्टी ऊपर ले जाएगा, दूसरा बंदा ऊपर से बाहर ले जाएगा और तीसरा बंदा मैदान में मिट्टी फैला देगा। बोलो कौन फैलाएगा? मैं दरवाजे पे पहरा दूंगा, मिट्टी रणदीप को पकड़ा दूंगा, ये फेंक देगा। पर भाई फावड़ा और बाकी के औजार का इंतजाम कहाँ से होगा? उसका इंतजाम हो गया, परसों रात को विक्रम आएगा, सारा सामान साथ में आएगा। और सुनो, दिवाली के धमाके शुरू हो गए हैं, ठीक है मानवीर, हम कल प्लाई लगा देंगे आके, और अब धमाके के लिए तैयार हो जाओ। लो दो हाथ। लगाओ लगाओ, आराम से आराम से आराम से लगाओ लगाओ। लगाओ लगाओ लगाओ, बस हम यहां से शुरुआत करेंगे, कल होगी अपनी शुरुआत। यार गिरीश भाई एक बात समझ में नहीं आ रही, ये हम रात में काम क्यों कर रहे हैं? अरे भाई वो काम ही ऐसा विक्रम। अरे काम वाम तो ठीक है, लेकिन रात में कोई खुदाई करता है क्या? अरे सब कुछ यहीं पूछ लेगा भाई, चल तो बताता हूँ। हाँ भाई आ जाओ। अंदर संभाल, में बाहर देखता हूँ। और हाँ ध्यान से जा, इधर इधर पीछे पीछे। हाँ देख भाई यहाँ से काम शुरू करेंगे। ओ साहब ये कौन सा काम हो रहा है? ये कोई पाइपलाइन का काम ना है? दुगने पैसे दे रहा हूँ ना, चल काम शुरू कर। पहले ये बताइए कि इस जगह को खोद क्यों रहे हैं आप? अरे हजार की जगह 1200 ले लियो, चल काम शुरू कर। ना जी पहले बताओ। अरे भाई बात सुन, नाम क्या तेरा? विक्रम। विक्रम भाई बात ये है कि तुझे ना हिस्सा देंगे हम। हिस्सा? किस चीज़ का हिस्सा सर? बताओ भाई। अरे इस काम का हिस्सा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर जी, ये आप काम कौन सा कर रहे हैं? देख विक्रम या कोई पाइपलाइन नहीं खुद रही है। वो तो दिख रहा है साहब, आगे भी तो कुछ बोलिए साहब। ऐसा नहीं है कि तेरे को आगे करके तेरे कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहे हैं, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। देख भाई सोच ले, ये काम करने के बाद जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा, कम से कम मिस्त्री का तो नहीं। इतना पैसा आ जाएगा, जमीन खरीदियो, अपने लुगाई को गहनों से सजाइयो, ऐश करेगा ऐश। गिरीश भाई क्या है, हम इस बंदे को जिंदगी का ज्ञान देने आए हैं, आपने बोला था बातचीत हो चुकी है, हमें काम शुरू करना है। और अरे इतना क्यों फुदक रहे हो हैं? शांति रखो, ये आदमी सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, और भरोसा है मेरे को साथ देगा हमारा। क्यों विक्रम, साथ देगा ना हमारा? ठीक है सर करूँगा, लेकिन पैसा जो तय हुआ था 1200 दिन का वो मिलेगा ना? अरे हाँ मिलेंगे मिलेंगे, और इसमें मेरा हिस्सा भी होगा। अरे हाँ हाँ मिलेगा, चल काम शुरू कर। 1200 भी अटका है, चलो चाचा काम शुरू करो, चलो चलो नाराज मत हो। चलो भाई भाई नारियल ला। की
कितना है? बराबर 5 फुट भाई। बहुत बढ़िया, इधर से आगे बढ़ो, इधर से। राम राम भाई, राम राम। बहुत बढ़िया भाई, बात सुनो भाई। बाई तरफ 12 फीट खोदो। बाई तरफ कोई सकपाल है विजेंद्र? चल विजेंद्र। रुको रुको रुको, कुछ भी देना था? लोहा है शायद, पाइप है। बिट्टा हटा कर देखना पड़ेगा। गिरीश भाई 223 फुट हो गया, 20 फुट और बाकी है भाई। और हमारे पास 3 दिन और है। नहीं, अभी तक तो लॉकर रूम के नीचे पहुंच ही गए होंगे। नहीं लग तो मेरे को भी रहा, पहुंच गए होंगे। पहुंच गए क्या? देखो आज दिवाली की रात है, दिवाली पे सब अपने अपने घर लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे और हम साक्षात लक्ष्मी जी का दर्शन करेंगे। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।
शायद हम पहुंच गए। शायद? शायद नहीं, मतलब हम पहुंच गए। ऊपर की तरफ खोदो। ओए जसराज, गिरीश की अगुवाई में ये नौसिखिया गिरोह अपने मिशन के आखिरी पड़ाव पर था। 18 रातें जमीन के नीचे सुरंग बनाते हुए ये यहां तक पहुंचे थे। उनके कैलकुलेशन के हिसाब से वो अपनी मंजिल से सिर्फ 5 फुट नीचे थे। उनकी मंजिल थी एक बैंक का लॉकर रूम, जहां सैकड़ों लोगों की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई रखी थी, और वो मेहनत की कमाई वो एक झपट्टे में लूटना चाहते थे। ये 8 दोस्त नहीं थे, इनमें से कई लोग एक दूसरे को पहली बार मिले थे, लेकिन ये सभी एक ही परिवार के थे। एक ऐसा परिवार जिसकी रगों में खून नहीं, लालच का लावा उबलता है। इजी और क्विक मनी के लिए जिनका नैतिक मॉरल कॉम्पस किसी भी दिशा में घूमता है। लेकिन इस मिशन में उन्होंने जिस कॉम्पस का इस्तेमाल किया था, क्या उस कॉम्पस ने उन्हें सही दिशा में भेजा था? क्या ये लोग वाकई उस बैंक के लॉकर रूम में दाखिल होने जा रहे थे? क्या ये जुर्म सफल होने जा रहा था? क्या वो अटूट सच क्राइम नेवर पेज इस बार झूठा साबित होने जा रहा था? इस केस का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे। कल हम देखेंगे कि ये 8 लोग किस्मत की सुरंग में रेंगते हुए अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंचेंगे, या फिर ये सुरंग अंधी सुरंग साबित होने जा रही थी, या ये एक डेड एंड था। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और याद रखें, किसी को दर्द पहुंचाना बहुत आसान, पर किसी के दर्द पर मरहम लगाना मुश्किल, और यही मुश्किल सही मायने में जिंदगी को तसल्ली देती है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.